Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm PPT final year student and welcome back to my channel Physio AIM. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio AIM. So, ये वीडियो हम लोगों का होने वाला है आईपीयू के बारे में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू के बारे में कि आईपीयू के बीपीटी और एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम की डेट आई है कि नहीं, ठीक है। बीपीटी मतलब बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी और एमपीटी मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी दोनों के एंट्रेंस एग्जाम की डेट आई है कि नहीं। तो यस, बीपीटी और एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है और हाँ, डेट बहुत पहले आ गई थी ड्यू टू मेरे फालतू के रीजंस, मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को टाइम से अपडेट नहीं कर पाई, बट अभी भी ज्यादा टाइम नहीं निकला है, ठीक है। जून में ही आपका पेपर होने वाला है, बीपीटी की जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो अभी है ना, कुछ दिनों में, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी बता दिया, बहुत जल्दी अपडेट कर दिया। ये वीडियो स्पेशली बीपीटी के लिए नहीं है, ये वीडियो है एमपीटी के लिए, ठीक है, जो मास्टर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि मास्टर्स में एक जो है वो बहुत बड़ा लोचा हो गया है, ठीक है। मतलब मैं अभी आप लोग को आगे चल के बताऊंगी कि हुआ क्या, काफी लोगों के लिए एक गुड न्यूज हो सकती है और काफी लोगों के लिए एक बैड न्यूज हो सकती है, तो मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को शेयर करूंगी एमपीटी जो एंट्रेंस एग्जाम है उससे रिलेटेड। बट उससे पहले हम लोग बीपीटी की बात कर लेते हैं। डेफिनेटली बीपीटी का जो एग्जाम है, एज यू ऑल नो, मतलब मोस्टली 99% बच्चों को पता चल ही गया होगा कि बीपीटी का एग्जाम जो होने वाला है वो आपका 19th को है। कब है? 19th जून को, ठीक है। और मैं आप लोगों को अब एग्जाम का टाइम बता देती हूँ। सो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो एग्जाम है आपका वो आपको दिल्ली जाके ही देना है, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा, बट बहुत जल्दी एडमिट कार्ड मिल जाएगा, मतलब एक दो दिन रह गया है ना, तो मिल ही जाएगा। वैसे भी ये लोग एडमिट कार्ड बहुत पहले नहीं निकालते, ठीक है, एक हफ्ता पहले ही एडमिट कार्ड देते हैं, और उसमें भी इस बार इन लोगों ने पता नहीं क्यों इतना डिले कर दिया है, ठीक है। सो एडमिट कार्ड आपको एक दो दिन में मिल ही जाएगा, और शायद आज शाम तक भी अगर वेबसाइट खुल जाती है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो परेशान होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सो अब हम लोग बात करते हैं टाइम की, ठीक है, कि आपका टाइम क्या है बीपीटी एंट्रेंस एग्जाम का। सो आपका जो पेपर है वो 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 2 hours 30 minutes का आपका एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम का आपका टाइमिंग है 12:30 to 3 PM। सो दैट्स ऑल फॉर द बीपीटी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेन एमपीटी, जिस टॉपिक के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, एमपीटी की। सो एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम की डेट, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम की डेट बता देती हूँ। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एग्जाम का टाइम जो है वो आपका 2 घंटा 30 मिनट का ही होता है, ठीक है, 2 hours 30 minutes का, इससे कम का नहीं होता। पेपर है आपका शाम के शिफ्ट में, कब है? शाम के शिफ्ट में, ठीक है। पेपर की टाइमिंग रहेगी 5 PM to 7:30, कितना होगा? 5 PM to 7:30 PM, ठीक है, शाम को होने वाला है। और अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की डेट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी लोगों का। सो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 24 जून, कितनी है? 24 जून, कुछ याद आया? सोचो कुछ याद आया आप लोगों को? 24 जून है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कितनी डेट लिखी है, 24 जून। अब आप इसे देख सकते हो, इस पे यहाँ पे क्या लिख रहा है, 24 जून, कुछ समझे? तो दोनों का, आपका आईपीयू का और आपका जामिया का, दोनों का एमपीटी का एंट्रेंस एग्जाम सेम डेट पे है, ठीक है, दोनों का एंट्रेंस एग्जाम सेम डेट पे है। बस फर्क क्या है, टाइम स्लॉट का फर्क है। जामिया का जो एग्जाम था वो मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में 10 AM to 11:30 AM, और आपका जो आईपीयू का एमपीटी का एग्जाम है वो आपका इवनिंग में है, 5 PM to 7:30 PM, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक अच्छी चीज की बात करते हैं, जो एक अच्छी चीज हुई है एमपीटी के एंट्रेंस एग्जाम में इन दोनों यूनिवर्सिटी का, ठीक है, आईपीयू का और आपका जामिया का, वो ये है कि सेम डे पे है, ठीक है। जो लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं और उन लोगों ने दोनों यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भरा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है कि आप अपना सुबह आए और आपके शाम तक, मतलब रात तक, दोनों पेपर आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो ज्यादा टेंशन की बात होगी नहीं, दोबारा आप लोग को आना रहेगा नहीं, ठीक है। बट अब हम लोग बात करते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि पता क्या होता है कि काफी लोगों ने ना एमपीटी का टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी का, मतलब कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा, है ना। आईपीयू जिस यूनिवर्सिटी है उसका तो पास्ट ईयर का पेपर भी नहीं है, तो मतलब मैं कैसे जाके उसके लिए प्रिपेयर करूँ, ठीक है। सो काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिनका हमें पास्ट ईयर पेपर नहीं मिलता, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो फॉर्म भर देते, एक आइडिया मिल जाएगा, और जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा जितना आता है उतना तो हम कर ही देंगे, बट अब कुछ रहता है ना कि कुछ समझ में नहीं आया, गड़बड़ हो गई, गलत कर दिया हमने, तो उसके लिए हम घर आके पढ़ते हैं ना, कि हम किसी से डिस्कस कर लेंगे, घर आके पढ़ेंगे, फिर बुक में चेक करते हैं ना, तो एक दिमाग में ना एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस तरीके से एनाटॉमी से क्वेश्चन था, बायोमैकेनिक्स से ये क्वेश्चन था, तो एक आइडिया लग जाता है। बट जब एग्जाम आपके दोनों के दोनों सेम डेट पे होने वाले हैं ना, तो थोड़ा एक हेक्टिक, मतलब दिमाग में ना थोड़ी एक कंफ्यूजन चलती रहती है ना, कि अभी एक पेपर दे के आए हैं, मतलब सुबह आपने जामिया का दिया और आपको बाद में शाम को आपको आईपीयू का देना है, तो अरे यार, मतलब उसमें तो क्वेश्चन आते आते नहीं थे, तो आपके दिमाग में ना ये नहीं रहेगा कि आपका वेल प्रिपेयर किया है। मतलब ऐसा मेरे साथ होता है, मेरे को नहीं पता मतलब सबके साथ होगा कि नहीं, ऐसा मेरे साथ तो होता ही होता है कि मतलब आप लोगों ने एक पेपर दे दिया, उसके बाद में ना
जो हम लोग गलत करके आते हैं ना, वो हमारे दिमाग में ज्यादा चलता रहता है कि अरे यार हमने ये गलत कर दिया, आप कैसे सही करें। तो उसी माइंडसेट के साथ में फिर दूसरे पेपर में घुसना, मतलब समझ रहे हो कि जस्ट शाम को दूसरा पेपर है और फिर उसको देना, तो हम लोग के पास इस बीच में ना एक टाइम नहीं रहेगा कि जो हमारे मतलब क्वेश्चन गलत हो गए या किसी के साथ डिस्कस कर लें, बात कर लें कि आपका एग्जाम मतलब कैसा गया, जो क्वेश्चन गलत था उसका आंसर क्या होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना। और ज्यादा तो मैं नहीं बात करूंगी इस बारे में, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सो ऐसा हो जाना चाहिए था कि मतलब आईपीयू का एग्जाम पहले रख देते है ना, कुछ टाइम बाद जामिया का रख देते, या फिर जामिया का पहले है तो कुछ दिन बाद आईपीयू का रख देते, इस तरीके से भी ये लोग कर सकते थे। बट ठीक है, जैसा भी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो दोनों सेम डेट पे हैं। बट आप लोगों को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। क्या नहीं होना है? पैनिक नहीं होना है। सो आप लोगों को एमपीटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है, राइट? तो आप लोग फिजियोथेरेपी स्टूडेंट तो है ही, तो सबसे पहले क्या है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जस्ट काम योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे मतलब क्या बोलूं, सबसे ना एकदम से मैजिकल चीज है पूरी दुनिया में कि जस्ट खुद को काम करना है, ठीक है। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और उसके बाद में पेपर में एंटर होने से पहले भी मतलब अपने आपको काम रखना है। ये नहीं सोचना है कि हमने जो पहला पेपर दिया उसमें क्या गड़बड़ होगी, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन किए हैं सही सही है उनको अपने दिमाग में रखिएगा और सारी टेंशन छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, बात की बात है, जो होना था सो हो गया, मतलब हम लोग कराए। तो अब हमें अगला पेपर देना है बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, उसके लिए चाहो थोड़ा घूम लो, म्यूजिक सुन लो, ठीक। और चीज, जो एग्जाम सेंटर है उस पर आप लोग एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुंच जाया करिए, चाहे वो बीपीटी का है या एमपीटी का है, चाहे वो आईपीयू का है जामिया का है। और आपको लेके क्या क्या जाना है अब उसकी बात कर लेते हैं। तो आप अपना एक कंफर्मेशन पेज अपने पास रखिएगा, अपना आधार कार्ड रखिएगा और अपने आप दो पासपोर्ट साइज फोटो तो रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट में पेन प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ जगह पेन प्रोवाइड नहीं करते हैं, सो पेन रखिएगा, अगर वो लोग मना कर देते हैं तो ठीक है, और वरना अपना पेन लेके जाना ही है, बाकी वो लोग दे भी देते हैं कुछ कुछ जगह, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई दिक्कत है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप लोग मुझसे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लगता है बट मैं हर बच्चे को रिस्पॉन्स देती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।